चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज चर्च की असलियत में हमारे साथ मक्खन सिंह जी हैं और उनका बेटा राजू। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, राजू भाई और आपके पापा से, कि आप प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले, है ना, चर्च में आने से पहले कैसे थे आप लोग? पहला जी मैं तो बस तुरंत फिर डांस होना सीखा, कभी उधर जाना रहा, कभी उधर जाना रहा, ऐसा करके फिर मम्मी जी का। हाँ नहीं, कैसे मतलब तुरे फिरते थे कैसे मतलब? वो दुष्ट आत्मा से सिर है नहीं सीखा। अच्छा, दुष्ट आत्मा थी। हाँ, और दुष्ट आत्मा मतलब सिर के बिना कटे हुए सिर वाली दुष्ट आत्मा? कटे हुए सिर। अच्छा, वो मेरे मगज पर। अच्छा, वो दुष्ट आत्मा आपके पीछे लगी हुई थी। फिर मैं पट्टे ले आऊंगा सीखा, मैं तो तुरिया ना जाके। अच्छा, खेत से पशुओं का चारा। हाँ, पट्टे। साइकिल पता नहीं किस तरह डिग्गी किस तरह ना, मैं खतानंद बेचे थे साइकिल ऊपर आगे जा डिग्गी। तो राजू भाई कितने साल तक दुष्ट आत्मा ने परेशान करते रहे? बस मैंने ना 7 साल, बस 6-7 साल ही हो गए सी। 6-7 साल तक दुष्ट आत्मा खराब करती रही। अच्छा नहीं, तो क्या 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 हो, क्या होता क्या था दुष्ट आत्मा, क्या करती क्या था? एकदम मैंने दबा लेंदी सी। अच्छा, दबा लेंदी थी। हां, ओके, तो तभी तक करा के ले आंदा माता जी ने। ओ मैंने आया और करा लिया। अच्छा, दुष्ट आत्मा कहती। हाँ, आपकी माँ ने? हाँ, मेरी माँ ने। अच्छा, वो उसकी तो उम्र बहुत ज्यादा थी आपकी मम्मी की, तो है ना? 106 साल की थी आपकी माँ, मैं देखा हुआ उनको। तो आपने, आपकी माँ ने तभी धागा आपके लिए करवाया? हाँ, तो रात को सुते आता तो और करवा लेता। अच्छा, दुष्ट आत्मा कहती भी तुम और धागा करवा ले, तभी कराना और करवा ले, मैं तेरे तुझे लेकर जाऊंगा साथ में। इतना सूख गए थे आप लोग? ठीक ठीक ठीक। तो क्या क्या आप अभी जैसे बता रहे थे धक्के मारती थी दुष्ट आत्मा? धक्के मारते थे मैंने। अच्छा, देख बना थे। अच्छा, नीचे गिर जाते थे आप? इतनी गर्दन जमीन में? सर, मिट्टी में, सिर मिट्टी में। फिर बच्चे आए पास, तो मतलब ऐसे दुष्ट आत्मा मतलब ऐसे धक्का देती होगी ऐसे करके, और फिर ये ऐसे करते ना तो जमीन में इतनी इतनी सर इतना इतना घुस जाता जमीन। अच्छा, मतलब जमीन में वो ऐसे खेतों में जैसे काम कुम करते थे यहाँ पर? अच्छा, कोई पता ही नहीं लगता था, पता नहीं चलता था। बच्चे आए पाँच बाज के इकट्ठे हो गए तो मैंने चक के लेके नहा कर फिर लेके कर कई देर तो फिर मतलब दुष्ट आत्मा कहती। फिर आप तांत्रिकों के पास जाओ और कैसे जाते जुते रहे क्या? वो बस ऐसी तरह जिम मेरे पता दस दस में उन्हें जाना रहना था, जैसे लोग कोई बताते थे वहाँ वहाँ जाते थे। तो पूजा मांगता था, पूजा भी करनी पड़ती थी, 20,000 रुपए। 10,000 भी मांग लेते चले जाते थे जैसे अभी बात कर रहे थे, कहाँ चले जाते थे कैसे चले जाते थे? नहीं पता नहीं चलता था आपको क्या, पता नहीं लगता था। तो कैसे जाते थे, पैदल, बस पे, कार पे, कैसे? बस पे चढ़ जाते, कई बार साइकिल पे चले जाते, कई बार साइकिल पे चले जाते, पता नहीं चलता भी कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, वैसे चले गए और फिर वहां से वैसे ही आ गए। दुष्ट आत्मा आपको वैसे मतलब पागल बना रखा था जैसे भी चलो इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ ये करो वो करो करके। मैंने तो फिर इतने मामे जी का लड़का आ गया। अच्छा, आपके रिश्तेदार थे? हाँ, फिर मैंने भाई साहब जी मिलने कितने जाना, अरे संगत जाने ले चलो। अच्छा, वो कह रहे संगत में जा रहे हैं हम लोग। आपने कहा मुझे भी ले चलो संगत में चलते हैं आज। आपको पता नहीं था भी चर्च में जाना या कहीं जाना भी, चलो उसने आपने सोचा भी कहीं संगत वैसे हो रही चलो मैं भी चलता हूँ। मैं तगड़ा हो जाएगा आधा, हाँ हो जाएगा तगड़ा आधा, वो स्वास्थ्य रखेगा नफा रखूंगा। अच्छा है, सत्संग सुनी समाप्त हो गई। अच्छा, चर्च में जब आप आए थे तो प्रार्थना मतलब खत्म हो गई थी, पूरी हो गई थी? फिर तो बोले तू तो ले जाए लेट आओगे तो मैं तो कहूंगा भी अभी लेट आगे बंद की तो खत्म हो गया भाई बाप। तो फिर आगे से विश्वास रखेगा मेरे गुरु जी ने पैसे जी ने मैं भाग रखूंगा। आज तो मैं वो गुरु जी मनिया, आज सिर पे हाथ रखता प्रार्थना करी, मैं तो बहुत तगड़ा होया।
उस दिन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो, तगड़ा ही रहना, भूत बात तो नहीं आया, सिर भी नहीं दुखा मेरा। अच्छा सिर भी नहीं दुखा। एक बार गन है नहीं खोगी थी मुंह में से, वो ही खत्म हो गई। अच्छा छाती पे गांठ हो गई थी, वो ही पर वो ही प्रभु भीष्म से चंगा गए। हाँ हमें याद है आप प्रार्थना करवाते थे यहाँ मेरे ऐसे ऐसे करते थे गांठ है। अच्छा प्रभु भीष्म सिंह ने आपको चंगा किया। तो ये आपका जो लड़का है, आप पहले आ गए प्रभु में और आपने बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा ले लिया आपने। और आपकी कितनी कितनी उम्र है? 75। 75 साल अभी, 75 साल को आप? अभी 80 साल है। अभी 80 साल है। हाँ। अच्छा तो आप ये राजू भाई आप फिर बाद में आए चर्च में है ना? बापू पहले आ गया। हाँ मैं बाद में आया था। हाँ। पहले बापू और मेरी लड़की आई थी। अच्छा ये प्रार्थना में आने लगे। हाँ। नहीं आपको क्या दिक्कत थी, आप कैसे आए प्रभु में? तो मेरे तो किन डिक्स में दर्द थी। डिक्स में? हाँ दर्द था, कमर से चला नहीं जाता था, काम नहीं होता था। तो मैं मेरे को कोई ले गया पंजाब में, वहाँ उन्होंने मेरे को भर्ती कर लिया, अस्पताल में भर्ती कर लिया। अस्पताल में भर्ती कर लिया। जितने मेरे पास पैसे थे 80,000 रुपया, वो मैंने वहाँ दे दिया। अच्छा जब वो लग गया, वो खत्म हो गया, फिर मैंने एक महीने बाद फोन किया भी मैं भर्ती हूँ। नहीं पहले पता नहीं घर वालों को भी मैं भर्ती है? तो आप एक महीना वहाँ भर्ती रहे ऐसे? हाँ जी गए थे दवाई लेने से गए। अच्छा दवाई लेने गए। हाँ, तो वहाँ भर्ती हो गए, उन्होंने अस्पताल में भर्ती कर लिया। हाँ बठिंडा भाईभक्ता गुरु का कोठा वहाँ। अच्छा अच्छा तो वहाँ आपको उन्होंने कर लिया। हाँ, तो जो पैसे 80,000 रुपया ले गए थे वो भी खत्म हो गया। खत्म हो गए, लग गया वहाँ। फिर गाय बाद में बेची के पहले बेची गए? अच्छा जब इनको बताया फिर पैसे खत्म हो गए। हाँ पैसे खत्म हो गए, मैं तो भर्ती हूँ। फिर पापा कहने लगे भी कि आपने मेरे को बताया क्यों नहीं, मैं भर्ती हूँ। तो फिर गाय को बेचकर फिर आपके पास ले गए? फिर मेरे पास गए, फिर पैसे दे के। फिर आपके पशु थे ना? हाँ जी। आप बता रहे थे वो क्या, वो भी थी तांत्रिक की नाम, बकरियां भी ले जाते थे, तांत्रिक बकरियां मांग के ले जाते थे। हाँ, कहते भी हैं। अच्छा तांत्रिक जादू करने आएगा वो, मतलब करते थे बचाव करने के लिए, कहते थे एक बकरी दे दो चलो। हाँ अच्छा फिर हॉस्पिटल में, फिर हॉस्पिटल में से फिर मेरे को छुट्टी क्या होता क्या था हॉस्पिटल में? दर्द हो रही थी सारी, दर्द हो रहा था सारे सारे, रात नींद नहीं आती थी ना, किसी को सोने देता था ना सोता था। फिर मेरे को घर पे ले आए, घर पे नहीं, जब आप हॉस्पिटल में थे तो फिर मतलब आपके हाथ पाँव सब काम करते थे सब? हाँ। नहीं करते, पैर थोड़े काम नहीं करते थे, पैर काम नहीं। उन्होंने मेरे इंटे बांध दी थी। अच्छा खिंच लगा दी थी। तो फिर लैट्रिन बाथरूम वो मैं डब्बे में करता था। अच्छा मेरे को मेरे घरवाली डब्बा दे देती थी। हाँ हाँ। और मैं उसमें करता था। अच्छा जब मतलब नहीं वहाँ हॉस्पिटल में या घर आकर ठीक। उसके बाद भी मेरे को दिखाया किसी को नहीं आराम आया। फिर मेरे को आखिर हार गए जब चर्च में ले आई। अच्छा पापा कहता, मेरी लड़की कहती भी आप डैडी मेरे हम लेके चलते हैं आपको चर्च में, आप प्रार्थना, बापू ठीक हो गया आप भी ठीक हो जाओगे। अच्छा फिर तो आप चर्च में आए? फिर मेरे को चर्च में लेके आए, एतवार के दिन प्रार्थना में लेके। हाँ संडे के दिन लेके आए, और मैं नीचे चारपाई पड़ी थी, मेरे को चारपाई पे सुला दिया, प्रार्थना चलती रही। आप प्रार्थना के बाद पास्टर जी ने प्रार्थना की और मेरे को घर ले गए। रात को पास्टर जी ने कौन ने, किसने? पास्टर अमरदीप। अच्छा मैंने की ना। हाँ, अच्छा आपने 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 प्रार्थना की ऐसा? हाँ आपने प्रार्थना की और ठीक हो गई। ठीक हो गया तो मैं थोड़ा दर्द रुक गया। रात को मेरे को परमेश्वर ने दर्शन दिए। अच्छा वो पहले दिन जब आए, पहले दिन ही मतलब पहली रात ही। हाँ, आपको परमेश्वर सिंह ने दर्शन दिए परमेश्वर सिंह ने दर्शन दिए। उसके बाद आप ठीक हो गए? हाँ जी पूरी तरह ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। सब परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। आपके 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 घर के हालात कैसे थे? मेरे घर के कच्चे कमरे थे जी। कच्चे कमरे थे। अच्छा बिल्कुल जो अब आपके जो पक्के बने हुए यहाँ पहले कच्चे कमरे थे। हाँ पीछे वाले भी कच्चे थे ना? सारे कच्चे थे। सब कच्चे थे और सफेदे के काट काट के डंबे लगाए हुए थे बाले। अच्छा जो छत थी सफेदे के लकड़ी मतलब काट कर ऐसे बाले लगा कर आपने छत टाइम पास किया हुआ था। अच्छा लकड़ी के। तो अब तो आपके पक्के हैं? हाँ, अब तो परमेश्वर की दया जी, जब से परमेश्वर में आए। अब कितने कमरे आपके?
अब मेरे चार कमरे जी। सारे चारे पक्के हैं? चारों पक्के, चारे पक्के हैं। पहले सारे कच्चे थे, सारे कच्चे, अब सारे पक्के हैं। ओके, आपने बपतिस्मा लिया? हाँ, बपतिस्मा। आपके परिवार ने बपतिस्मा लिया? अब मेरे पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया हुआ है। सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस परिवार के लिए। आप देखिएगा कैसे ये परिवार था, दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, बीमारियों से पीड़ित था, और इतनी ज़्यादा परेशानी थी इन्हें, और घर कच्चा था, और तांत्रिक आते थे और वो भी ले जाते थे, बकरी कहते बकरी दे दो, पशु बेचकर इन्होंने लगाया, दवाई के ऊपर पैसे लगाए, कितना कुछ खर्च किया। आखिरकार किसी ने कहा भी चल हम भी कहाँ जा रहे हैं, इन्होंने पूछा, उसने कहा संगत जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। तो यहाँ आए और प्रार्थना हालांकि ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी जब ये आए और मैंने प्रार्थना की इनके लिए, और प्रभिशन सिंह उसी दिन से चंगाई दी। इन्हें दुष्ट आत्मा ऐसे धक्के देकर नीचे गिराती थी और कहीं कहीं ना कहीं इनको उड़ाकर ले जाती, उधर चल इधर उधर, पता नहीं कहाँ कहाँ कर, ये इतनी इनका था हाल, बुरा हाल था, और बेटे का भी इनके बुरा हाल था। लेकिन अब पूरा परिवार प्रभु में है और प्रभिशन सिंह ने आशीष दी है। सो परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके साथ रहे।